नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में, क्योंकि बोर्ड के द्वारा कल शाम लगभग 5 बजे के आसपास एक बड़े फैसले लिए गए, जहां कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों ही कंपनियों को डीमर्ज किया जाएगा। और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, आगे के क्या टेक्निकल ट्रेंड होगा, इसको समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो आप अकाउंट ओपन कर लेंगे। टाटा मोटर्स इस समय 3.6 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ ट्रेड कर रहा है। प्राइस वाइज ये स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई के प्राइस पे टच करते दिख रहा होगा और आज हिस्टोरिकली कंपनी ने 1000 के ऊपर तक के लेवल्स पर भी ट्रेड करते दिखा। लेकिन अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो अभी भी अपने पीयर्स के कंपेरेटिवली स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है। ओनली 18 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री पीई लगभग 29 का है और जो क्वार्टरली नंबर्स रहे थे वो आउटस्टैंडिंग रहा था। 1,10,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू और 7,100 करोड़ के आसपास का कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर करा, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल से ज्यादा था। अब इस स्टॉक में क्या खबर आई, खबर ये आई है क्योंकि जो कॉमर्शियल व्हीकल थे उसके जो सेल्स के नंबर थे वो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट को डीमर्ज कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, डीमर्ज के नाम से तो आप सिंपली इस समय समझ ही रहे होंगे, जियो फाइनेंशियल सर्विस रिलायंस से डीमर्ज हुई, जिसके कारण जो रिलायंस के शेयर होल्डर थे उनको जियो फाइनेंशियल काफी कम दामों में मिला, तो डीमर्जर तो आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, इस समय जो सेगमेंट है टाटा मोटर्स का वो लगभग 4 सेगमेंट है। पहला कॉमर्शियल व्हीकल, दूसरा पैसेंजर व्हीकल, तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो चौथा है वो है लग्जरी गाड़ी, जो जीएलआर के ब्रांड के अंदर बिकती है। तो इसी 4 कंपनी को 2 भागों में टाटा मोटर्स ने बांटा है। पहला भाग रहेगा कॉमर्शियल व्हीकल, जैसे ट्रक्स वगैरह या जो गाड़ियां जो सामान को लाने आने में काम आता है उसको कॉमर्शियल व्हीकल कहते हैं। पैसेंजर व्हीकल लगभग एक ही किस्म के गाड़ी, जो लग्जरी भी होती है, ईवी होती है, सीएनजी वाले होते हैं, पेट्रोल डीजल वाले होते हैं, तो उसको एक कैटेगराइज में करा गया पैसेंजर व्हीकल। उसके बाद जीएलआर के जितने भी लग्जरी गाड़ी है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको एक सेगमेंट में और कॉमर्शियल व्हीकल को एक सेगमेंट में, इसकी स्वीकृति जो है वो बोर्ड ने दे दिया है। अब एनसीएलटी के थ्रू क्या रेशियो होंगे, जो टाटा मोटर्स है उनको ये जो डिमर्ज होगा तो किस रेशियो में मिलेगा इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन बोर्ड ने कहा है कि अगले 12-15 मंथ के अंदर ही इसके डीमर्जर को जो है वो कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी। ओवरऑल टेक्निकल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, पर्सनली मुझे लगता है कि ये स्टॉक नेक्स्ट 3 मंथ में 1200 तक के लेवल्स दिख सकता है। वीकनेस बिल्कुल नहीं है, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और ये जो कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल को डीमर्ज करने की बात टाटा मोटर से की गई है, मुझे लगता है कि एक सराहनीय कदम है। तो ओवरऑल मेरे व्यूज स्ट्रॉन्ग है, आगे जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसके अलावा अगर किसी स्टॉक के कुछ आपके क्वेरी हो इंडिविजुअल तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।